अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, नैब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकब अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहिद खाकब अब्बासी के ऊपर जैसा कि LNG केस है, और LNG केस में आज उन्होंने नैब के सामने पेश होना था, जिसके बाद उन्होंने नैब के सामने पेश होने से आज माजरत इख्तियार की और उन्होंने कहा कि मैं आज पेश नहीं हो सकता किसी निजी मसरूफियात की वजह, लेकिन नैब ने उनकी कहा एक नहीं माना और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, शाहिद खाकब अब्बासी जनाब वफाकी वजीर के साथ, जो कि एहसन इकबाल एक वफाकी वजीर हैं, उनके हमरा लाहौर जा रहे थे, जहां उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना थी, जिसके बाद नैब ने उन्हें लाहौर टोल प्लाजा के ऊपर गिरफ्तार कर दिया और ठोकर नियाज बेग उनको साथ ले गए। शाहिद खाकब अब्बासी, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वज़ीर पेट्रोलियम रहे, जबकि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बैठे रहे, उनके ऊपर LNG का केस है। LNG केस के अंदर मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आया, जिसके बाद नैब का काफी केसों के बचा रहा है। अब नैब के अंदर इस केस की जो एप्लीकेशन थी वो शेख रशीद की तरफ से दी गई, शेख रशीद जो कि इस वक्त वफाकी वजीर हैं, और शाहिद खाकब अब्बासी को फिल वक्त नैब ने गिरफ्तार कर लिया, लाहौर से उन्हें गिरफ्तार किया, क्योंकि गुजरांवाले से लाहौर जाते हुए टोल प्लाजा के ऊपर नैब ने शाहिद खाकब अब्बासी को गिरफ्तार किया। वहां पे नैब की टीम ऑलरेडी मौजूद थी, जहां पे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई और नैब की टीम ने उनको गिरफ्तार करके साथ ही उनको ठोकर नियाज बेग उनको साथ लेके चले गए हैं। उनके हमारा एहसन इकबाल भी थे। अब शाहिद खाकब अब्बासी के तमाम तरह जो हालात हैं, अब देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस चलता है, क्या वो अपनी जमानत करने में कामयाब होते हैं या नहीं, या नैब के सामने क्या सजा पेश करते हैं, ये तो है आने वाला टाइम बताएगा कि या वो अगेन से बाहर आ जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट्स। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।